हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। एसबीआई क्लर्क 2018 के वेटिंग लिस्ट का इंतजार सभी बच्चे कर रहे हैं, और साथ ही जगह जगह से बच्चे आरटीआई में इंफॉर्मेशन इसकी मांग रहे हैं कि कहाँ कितनी पोस्ट वेकेंट रहेगी। तो उसी का एक कैलकटा सर्किल का, वेस्ट बंगाल के लिए कैलकटा सर्किल की कोई एक आरटीआई का किसी बच्चे ने शेयर किया है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। कैलकटा सर्किल में अगर आप देखें तो वहां नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी, तो अनरिजर्व की अगर आपने देखें तो टोटल 1308 पोस्ट थी। ये हो गई आपकी वैकेंसीज। और ओबीसी की 159 थी, देन एससी 179। इसकी क्या कुछ बैकलॉग था, तो दोनों क्लब करके एससी की 179 और एसटी की 35 जैसे सीटें थी। मेजर इन्हीं की अपने चर्चा करें। अब इनमें से जो जिन्होंने नोट अटेंडेड, किसमें आपका जो सेशन था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिन बच्चों को देना था, तो वो कितने लोगों ने अटेंड नहीं किया, कितने एस्पिरेंट्स ने नहीं किया, तो ये 20 अनरिजर्व जो है, 29 ऐसे थे जिन्होंने नहीं किया। यहां ओबीसी में 15 ऐसे थे जिन्होंने नहीं किया ज्वाइन, और शेड्यूल कास्ट में 32, काफी बड़ी संख्या है, और 13 है आपके शेड्यूल ट्राइब में। ये इतने एस्पिरेंट्स ने इस सेशन को अटेंड नहीं किया। देन सेकेंड चीज आई कि जो ज्वाइनिंग नहीं दी, नॉट ज्वाइन, मतलब इस सेशन को तो उन्होंने अटेंड किया बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो ये जो कितने हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो 11 आपके इसमें हैं जनरल के, 5 हैं आपके ओबीसी के ऐसे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, और 3 हैं शेड्यूल कास्ट के ऐसे जिन्होंने ज्वाइन किया, यहां निल है, ज्वाइन नहीं किया। तो अगर आप यहां टोटल देखेंगे तो एक तरह से ये टोटल वैकेंसीज होगी। तो टोटल वैकेंसीज यहां देखेंगे 29 और 11 40 है, ये 20 है, ये 35 है और ये 13 है। टोटल आप देखोगे तो 4 और 2 6, 3 और 1 10 100, 100 और 5 और 3 8, 108 ऐसी वैकेंसीज क्रिएट होगी जो जिन्होंने या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट का सेशन ही अटेंड नहीं किया, या कुछ ने अटेंड किया बट अल्टीमेटली ज्वाइन नहीं। इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे, ये नहीं है कि टोटल जैसे 308 थी, 308 माइनस 40 ने ज्वाइन कर लिया, वो जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने एक्सटेंशन लिया है, वो 108 के अलावा है। तो कई ऐसे होंगे जो एक्सटेंशन लिया, जैसे एक्सटेंशन मान लो 50 एस्पिरेंट्स ने एक्सटेंशन लिया, हो सकता है अल्टीमेटली फिर उन 50 में से भी 20 ने ही ज्वाइन किया हो या 30 ने ज्वाइन किया हो, तो वो वैकेंसीज भी इसमें क्लब हो जाएंगी। मान लो 1 मंथ का ही जिन बच्चों ने, जिन्होंने 2 या 3 महीने का एक्सटेंशन लिया है, बड़ा टफ होता है बहुत लंबा एक्सटेंशन मिलना, तो अगर जेन्युइन ग्राउंड नहीं है तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मान लो, और वैसे कम होते हैं, ज्यादातर बच्चे होते हैं 1 मंथ एक्सटेंशन वाले, तो 1 मंथ एक्सटेंशन वालों में से भी अगर कुछ ने ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी आपके वेटिंग लिस्ट में सीटें क्लब होके आएंगी। हाँ, एक चीज हो सकती है, जैसे एससी की सीटें आप यहां देखेंगे 35 वैकेंट रही है, लेकिन अगर जो मिनिमम का राइडर था 30% का, अगर वो 30% का ही अगर बच्चे राइडर क्रॉस नहीं कर पाए तो वेटिंग लिस्ट एससी में छोटी मिल सकती है। बाकी जनरल और ओबीसी में तो ऐसा कोई राइडर आई थिंक होने का कोई प्रेशर नहीं है, तो ये तो 40+20 60 आपको मिलेंगी मिलेंगी। 60 में कुछ क्लब ये हो सकती है कि जिन बच्चों ने एक्सटेंशन लिया और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो वो 60 में और प्लस हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से अपने दे दिया है, जैसे यूपी का भी देखा, आसाम का देखा, एंड आपके यहाँ का देख के कई स्टेट्स का अपने दे चुके हैं, और सभी में वैकेंसीज काफी अच्छी खासी है। यहाँ भी देखोगे तो करीब करीब आप देखोगे 1/6 वैकेंसीज क्रिएट हो रही, और हो सकता है कुछ एक्सटेंशन से इसमें और बढ़ के ये 25% तक चला जाए, तो 25 1/4 होना तो काफी काफी अच्छा है। मतलब ये काफी एक बड़ी गुड न्यूज रहेगी एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि जितना बिगनिंग में एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा बड़ी वेटिंग लिस्ट आने।
आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, और भी किसी एस्पिरेंट्स के पास कहीं भी दूसरे स्टेट की अगर इंफॉर्मेशन है तो प्लीज चैनल पे शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ उसको शेयर किया जा सके। और जो भी बच्चा जिस भी सर्किल से है उसके मन में बड़ा वो रहता है, जब तक लिस्ट नहीं आएगी कि मैं मेरी पॉसिबिलिटी कितनी है उस लिस्ट में आने। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।